दुनिया के टॉप 10 इंटेलिजेंट और स्मार्टेस्ट रोबोट्स। ये पूरी वीडियो को देख के अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एक, सोफिया रोबोट। सोफिया रोबोट को दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबो माना जाता है, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव रोबोट है जो आपसे बात कर सकती है, आपके प्रश्न का उत्तर दे सकती है, और यहाँ तक कि इस रोबो के चेहरे पे 62 तरह के एक्सप्रेशंस भी हैं। सोफिया को हांगकांग के हानसन रोबोटिक्स ने बनाया है और ये काफी मशहूर है। सोफिया ने बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज चैनल्स पे अपना इंटरव्यू दिया है और इसके जवाब काफी अच्छे होते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से श्योर बात करती है और बिल्कुल इंसानों जैसे सवाल जवाब और हंसी मजाक तक कर लेती है। हाल ही में सऊदी अरेबिया की सरकार ने इसे वहां की सिटीजनशिप भी दी है। यह रोबोट अपने आप में एक मिसाल है और आज तक की सबसे एडवांस्ड रोबोट में से है। दो, असीमो। असीमो को दुनिया का सबसे पावरफुल ह्यूमनॉइड रोबो माना जाता है। ये शायद दुनिया का पहला इतना शक्तिशाली ह्यूमनॉइड रोबो में से है जिसे आप कमांड के द्वारा काम करवा सकते हैं। हमने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में ह्यूमनॉइड रोबो देखे हैं, जिसकी परफेक्ट मिसाल ये असीमो रोबोट है। यह रोबो को होंडा ने बनाया है और ये 4 फीट ऊंची और 54 किलोग्राम की है। असीमो 3 भाषाओं में बात कर सकती है और वे है जापानीज, चाइनीज और इंग्लिश। जापानीज सरकार इस पे बहुत काम कर रही है और बहुत पैसा भी खर्च कर रही है। उनका लक्ष्य इसे सरकार के पर्यटन विभाग में शामिल करने का है, जो वे 2020 तक शायद कर सकते हैं। तीन, रोलिंग बॉट्स। क्या आपने हॉलीवुड की मूवी स्टार वॉर्स देखी है? अगर हाँ, तो आपको रोबो BB-8 तो जरूर याद होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोलिंग बॉट्स रोबो की, जो बिल्कुल आपके फेवरेट BB-8 की तरह है। ये एक ऐसा रोबो है जिसे आप आसानी से अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, LG कंपनी के द्वारा बनाया गया ये रोबो आपके घर का ख्याल तब रख सकता है जब आप घर पे ना हो। आप इस रोबो के द्वारा यह जान सकते हैं कि आपके घर में सब ठीक है या नहीं, और इसलिए ये फायदेमंद है। 4, पेपर। पेपर को एल्डरबॉर्न रोबोटिक्स ने सन 2014 में बनाया था और इसे आप हैप्पी रोबोट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंसानों को खुश करने के लिए बनाई गई थी। इस रोबो की खास बात ये है कि ये इंसानों के फेशियल एक्सप्रेशन को आसानी से पढ़ सकता है। आज बहुत लोगों का मानना है कि ये रोबोट आउटडेटेड हो गई है, मगर इसकी कंपनी का ये दावा है कि ये आज भी एक एडवांस्ड रोबो है और इसमें लगे चिप्स बहुत ही आधुनिक किस्म के हैं। इसकी कीमत लगभग 2000 यूरोस की है। तो क्या अपनाना चाहेंगे आप ये पेपर रोबो? 5, स्पॉट। स्पॉट रोबो को गूगल की कंपनी ने बनाया है और ये एक एनिमल रोबो है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इसलिए इसे डॉग रोबो के नाम से जाना जाता है। ये 4 पैरों पे चलती है और इसे आप घर के अंदर या बाहर काम करवा सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि आप इसे किसी भी अनइवन सरफेस पे चला सकते हैं और ये अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है बिना किसी नुकसान के। हालांकि अब तक ये तय नहीं हुआ है कि क्या इस रोबो को आप जानवरों के साथ रख सकते हैं। ये रोबो को जब एक कुत्ते के साथ छोड़ दिया गया था तो कुत्ता पूरे वक्त स्पॉट पे भौंकता ही रहा। ये देख के ऐसा लगता है कि इस पे अभी भी काफी काम करना बाकी है। 6, डेका रोबोट। डेका रोबोट को विज्ञान और रोबोटिक्स क्षेत्र में एक मिसाल माना जाता है, क्योंकि यह रोबो इंसान को जीने का सहारा देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, डेका रोबोट्स रोबोटिक्स का एक हिस्सा है, जहाँ पे जिन लोगों के हाथ या पैर बचपन से नहीं होते या किसी भी प्रकार के रोग के कारण काट दिए जाते हैं, उन्हें ये आर्टिफिशियल लिम्स दिया जाता है, जो है डेका। डेका को अमेरिका कंपनी ने इस तरह से बनाया है कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि आपका हाथ या पैर नहीं है। ये आपको ग्रिप लेने में मदद करती है और प्रोस्थेटिक्स की दुनिया में एक बेहतरीन आविष्कार है। 7, रोबोट स्नेक। रोबोट स्नेक बहुत ही आधुनिक तरीके का रोबो है
दरअसल स्नेक रोबो को इलुम के नाम से जाना जाता है और ये समंदर के कोने कोने तक पहुंच सकती है, जहां पे किसी भी भारी किस्म की वस्तु या मनुष्य का जाना मुमकिन नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि ये रोबो का इस्तेमाल अंडर वाटर सबमरीन या जहाज के रिपेयर में किया जाता है। ये रोबो को नॉर्वेगन रिसर्च सेंटर में बनाया है और ये किसी भी तरह के मैकेनिकल काम पानी के अंदर कर सकती है। 8. स्पाइडर रोबोट। ये रोबोट किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और यहाँ एक ऐसा रोबो है जो शायद रियल स्पाइडर जैसे दिखती है। क्या आप जानते हैं कि इस रोबो में आप किसी को भी डरा सकते हैं और ये आपको दौड़ा दौड़ा के पूरी तरह से थका देगी, इसलिए ये चेज करने वाले रोबो में से एक है। 9. कंगारू रोबोट। इस रोबो को कंगारू नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये असली कंगारू जैसे रेक प्रोपल्शन मैकेनिज्म से बनाई गई है। ये रोबोट हर एक जंप के साथ अपनी एनर्जी को बढ़ाती है और वही से एनर्जी भी लेती है। इस रोबोटिक कंगारू का वजन लगभग 7 किलोग्राम है और ये एक जंप में 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस और 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तय कर सकती है। अक्सर कंगारू इसलिए थक जाती है क्योंकि वह एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकती, मगर रोबोटिक बियोनिक कंगारू हर जंप के साथ एनर्जी कन्वर्ट करती है, जो इसे दूसरी बार जंप करने में सहायक होता है। 10. बटरफ्लाई रोबोट्स। बटरफ्लाई रोबोट्स रियल बटरफ्लाईज जैसे दिखती हैं और आपका इनमें अंतर करना बहुत मुश्किल है। ये रोबो का वजन 32 ग्राम का होता है और इनमें चार्जेबल बैटरीज लगे होते हैं। एक बटरफ्लाई रोबो 15 मिनट चार्ज होने के बाद कम से कम 4 घंटे तक उड़ सकती है। ये सिग्नल सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर पे भेज सकती है, जिसे आप यह जान सकते हैं कि उस जगह पे क्या हो रहा है। ये शायद रोबोटिक्स की दुनिया में सबसे छोटी और कम वजन वाली रोबो में से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे टॉप 10 वीडियोस जरूर देखें।